पूरे विश्व के सभी महाद्वीपों एवं देशों से विभिन्न दवाइयों का इस्तेमाल आज होम्योपैथी में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिमिसिफ्यूगा नाम का एक पौधा था जिसका इस्तेमाल वहाँ की सभ्यता के लोग हजारों सालों से प्रसव पीड़ा एवं मासिक धर्म के पीड़ा के समय किया करते थे, और आज होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्टिया रेसिमोसा का। उसी तरह आगे बढ़े तो साउथ अमेरिका उपमहाद्वीप में भी आपको एक दवा थी जिसका नाम था बोल्डो, उसका इस्तेमाल पेट दर्द के लिए लोग किया करते थे। आज साइंस ने तरक्की कर ली है तो जानने को मिलता है कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके पेन में कोलिसिस्टाइटिस के लिए। ओका बुका ऑब्रिवली नाम की एक दवा थी जो कि अफ्रीका में पाई जाती थी, ये पेट के इन्फेक्शन में काफ़ी कारगर थी, आज होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल होता है। भारत में भी अर्जुन की छाल का हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है हृदय संबंधित परेशानियों के लिए, आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है और आज होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टर्मिनेलिया अर्जुना नाम से। चाइना की तरफ जाए तो वहाँ पे जिनसेंग, पेनेक्स जिनसेंग नाम की एक दवा है, इस पौधे का इस्तेमाल तो चाइना अपनी मेन स्ट्रीम मेडिसिन आपकी TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी किया करते हैं और इसका काफ़ी व्यापक इस्तेमाल है आपके दिमाग संबंधित और शरीर में स्फूर्ति के लिए और पीठ में दर्द आदि समस्याओं के लिए। उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो कुछ देश है जैसे कि आपके पॉलिनेशियन कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आदि, वहाँ पर पाइपर मिथाइसेटिकम नाम की एक दवा थी, एक पौधा था, उसका इस्तेमाल लोग ड्रिंक्स बनाने के लिए किया करते थे और इस ड्रिंक को लेने के बाद लोग को नींद अच्छी आया करती थी, मन भी शांत रहता था, आज होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा सभी महाद्वीपों और काफ़ी सारे देशों के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे बाम ऑफ गिलियार्ड है, हिब्रू कल्चर में भी उसके बारे में बताया गया है, ऐसे कई सारी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल होम्योपैथी में आज किया जाता है और यह सारी की सारी दवाइयाँ वह प्राकृतिक औषधि गुण वाले पौधों से बनी हुई है जो विभिन्न देशों में हजारों सालों से वहाँ की सभ्यता के लोग किया करते थे और काफ़ी ज़्यादा इस पर हमने रिसर्च की और काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छा बनाने की कोशिश की, जिसके चलते आज यह सारे औषधीय गुण वाली दवाइयों का इस्तेमाल करके हम होम्योपैथी में तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि इन दवाइयों के औषधीय गुण जानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इनके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपके साथ हो सकते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिसका इस्तेमाल लोग कब्ज से राहत पाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे या डॉक्टर के परामर्श के बिना करेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपको कब्ज़ की जगह अब दस्त होने लग जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि दवाइयों का ज्ञान और साथ में बीमारी का ज्ञान दोनों चीज़ एक चिकित्सक को होती है, तो उसके परामर्श से अगर आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे, कोई दुष्प्रभाव नहीं है और साथ ही साथ आपको जड़ से इलाज मिलेगा प्राकृतिक तौर पर इन प्राकृतिक औषधियों से। तो यह कहना गलत नहीं है कि होम्योपैथी किसी देश की नहीं पूरे विश्व की व्याधि है, और यही कारण है कि होम्योपैथी हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन बीमारियों के लिए, उन रोगियों के इलाज के लिए जो कि दूसरी विधाओं से अपना इलाज करा के या तो उतना अच्छा आराम नहीं पा रहे हैं या फिर शायद उनको उतना अच्छा आराम ना मिल सके। तो यही था मेरा वीडियो आज होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न हर्बल मेडिसिन यानी कि प्राकृतिक औषधियों के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल में टाइम टू टाइम आते रहते हैं, आप कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे, आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और 150 से ऊपर तो हमारे चैनल में ही वीडियोस हैं, तो उन्हें भी ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। मैं डॉक्टर पीयूष फुलारा आप सभी से विदा लेता हूँ, नमस्कार।